आज हम बाकी बात करना स्टार्ट करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो कल हमने बता दिया था कि जल का सामस्थानांक क्या होता है, और मैंने बताया था कि जल क्या होता है, दुर्बल अपघट्य होता है। चलो अब नेक्स्ट डालो हेडिंग पीएच मान। तो आज हम सीखेंगे पीएच मान, पीएच वैल्यू, ठीक है। तो पीएच वैल्यू के बारे में बात करें, पीएच वैल्यू के साथ हम लोग ये बात भी करेंगे कि कौन सा विलयन अम्लीय होता है, कौन सा विलयन क्षारीय होता है, कौन सा विलयन उदासीन होता है, यानी कि व्यवहार कैसा होता है, यानी पीएच के द्वारा हम किसी भी विलयन के व्यवहार को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पीएच की एक रेंज होती है वो, लेकिन जो पीएच की रेंज मैं बता रहा हूं वो ताप पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर, अगर मैं ले रहा हूं टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर लिया, ठीक है। अब 25 डिग्री टेम्परेचर अगर मैंने लिया है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पीएच की जो रेंज होती है वो स्टार्ट होती है जीरो से, यानी ये पीएच की रेंज है बेटा, स्टार्ट होती है जीरो से और जाती है अधिकतम 14 तक, ठीक है। पीएच की रेंज स्टार्ट होती है जीरो से और जाती है 14 तक, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर क्या स्थिति बनती है, उस स्थिति की बात करते हैं। इसका मध्य बिंदु कौन सा होता है, 7 होगा, यानी कि ये 7 होगा, ठीक है। तो 7 पर क्या होता है, 7 पर जो होता है ये उदासीन होता है, सबको समझ में आ गया, 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से कम जब जाते हैं यानी इधर की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अम्लीय होगा, और इधर से इधर की ओर जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्षारीय होगा। ये इस बात समझ में आ गई है, क्षार जानते हो, क्षार क्या होता है ना, जो OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है, और अम्ल क्या होता है, जो कि H प्लस आयन देते हैं, समझ में आ गया। तो 7 से कम आएगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। अब यहां पर स्थिति समझने की कोशिश करिए, 7 पे है, 7 से 6 आया, 6 से 5 आया, 5 से 4 आया, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, इसका मतलब है कि अम्लीय व्यवहार बढ़ेगा। क्या कहा मैंने, अम्लीय व्यवहार, क्लियर है। और अम्लीय व्यवहार बढ़ने का मतलब क्या होता है, सुनना मेरी बात को, देखिए कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं यहां पर, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है, जानते हो इस बात को, ठीक है। अगर अम्लीय व्यवहार बढ़ रहा है तो इसका मतलब एच प्लस आयन बढ़ रहा है, अम्लीय व्यवहार बढ़ने का मतलब क्या होता है, H प्लस आयन बढ़ रहा है, और H प्लस आयन अगर बढ़ रहा है, H प्लस आयन अगर बढ़ रहा है तो 100% पीएच का मान जो होगा वो घटेगा। माइनस लगाए आगे, बात समझ रहे, यानी कि H प्लस आयन अगर बढ़ रहा है तो पीएच का मान घटेगा। तो पीएच का मान घट रहा है इसका मतलब अम्लीय व्यवहार बढ़ रहा है, यहां तक समझ में आ गई। दूसरी स्थिति की तरफ देखो, इधर अगर हम देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, H प्लस आयन क्या होगा, यानी कि यहां पर पीएच का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, पीएच का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब H प्लस आयन का मान क्या हो रहा है, बोलो, घट रहा है, यानी कि अम्लीय व्यवहार कम हो रहा है, और अम्लीय व्यवहार कम हो रहा है तो क्षारीय व्यवहार बढ़ रहा है, यहां तक समझ में आ गया। अगर 14 होगा तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जब किसी का पीएच 14 होता है तो इसका मतलब ये प्रबल क्षारीय होगा, आगे बात समझ में। और जब किसी का पीएच 0 होगा, बहुत जल्दी लोग कंफ्यूज आते हैं, 0 का मतलब पीएच नहीं, मतलब वो लोग सोचते हैं कि पीएच बराबर 0 इसका मतलब कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं तो मतलब अम्लीय नहीं है, गलत फहमी है, क्लियर है, होगा क्यों, आप कुछ सोचो, इसका अगर लोगे तो लॉग एच प्लस आयन कुछ निकलेगा ही निकलेगा, यानी कि माइनस लॉग एच प्लस आयन, यहां पर भी किसका होता है, 0 किसका होता है, 1 का, लॉग 1 का होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब H प्लस आयन की वैल्यू निकल के आएगी, नहीं निकल के आएगी, तो ऐसा नहीं है, H प्लस आयन का मान 0 हो रहा है क्या, नहीं, H प्लस आयन का मान 0 होगा, अगर H प्लस आयन का मान 0 होगा तो इसका मतलब वो अम्ल नहीं है, लेकिन H प्लस आयन है तो इसका मतलब वो अम्ल है, सबको समझ में आ रही बात, क्लियर, पीछे समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो इसका मतलब पीएच अगर 0 हो रहा है तो 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, प्रबल अम्लीय होगा, अब समझ में आ रही बात, कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको परेशानी, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, अब मैं थोड़ा सा यहां चेंज करती हूं, इस बात को चेंज करता हूं, चेंज क्या करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं, टेम्परेचर ले रहा हूं 55 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना
ठीक है, और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बात मुझे बताओ, KW का मान कितना था? 10 की घात माइनस 13, है ना। अच्छा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में KW का मान कितना था? यानी कि इसका मतलब 14, ये कहां से आया है? यहां से आया है, समझ में आ रहा है? यहां से क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आ गया समझ में? 10 की घात माइनस 13, क्लियर है। अब जरा यहां से यहां तक इसकी रेंज बनाते हैं, इसकी रेंज बनाते हैं, तो यहां 0 कर दिया, यहां 13 कर दिया, आ गई बात समझ में। अब मुझे बताओ उदासीन कहां होगा? उदासीन कहां होगा? मध्य में। तो 7 होगा, क्या 7 पर उदासीन होगा? नहीं, आधा, 13 का आधा, 13 का आधा कितना होता है? वेरी गुड, यानी कि 6.5। आगे बात समझ में। उदासीन कहां होगा? 6.5 पर होगा, उदासीन होगा 6.5 पर। इसका मतलब 6.5 से इधर चलोगे तो ये कैसा हो जाएगा? अम्ली व्यवहार शो करेगा, और 6.5 से इधर चलोगे तो ये क्षारीय। अब 7 का कोई मतलब नहीं है, 7 का मतलब तब है जब 14 होगा, समझ में आ गई बात। जब 14 होगा तो 7 का मतलब है, लेकिन अगर 13 हो गया तो फिर 7 का मतलब नहीं है, फिर 6.5। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच का मान 6.5 से कम होगा तो इसका मतलब अम्ली होगा, और पीएच का मान 6.5 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्षारीय होगा। बोलो बच्चों समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन अम्ली होता है, ठीक है, अब 4 ऑप्शन हो जाएंगे, तो बताओ कहां पर होता है? 6.5 पर। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? अच्छा चलो एक काम और करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं। मान लेते हैं टेम्परेचर अगर हमारा 90 डिग्री हो गया, अब बताओ यहां पर KW का मान कितना होता है? वेरी गुड, 10 की घात माइनस 12। अब 10 की घात माइनस 12 है तो यहां 0 ले लो, यहां 12 ले लो, उदासीन कहां होगा? वेरी गुड, यहां पर होगा उदासीन, और अम्ली कहां होगा? इधर की ओर, इसका मतलब इधर की ओर जाएंगे अम्ली, तो पीएच का मान 6 से कम, यानी कम होगा तो इसका मतलब ये एसिडिक हो जाएगा, क्लियर है। यहां पर पीएच का मान 6 से ज्यादा, इसका मतलब ये बेसिक होगा। अब समझ में आ गया? तो कुछ भी दे रखा हो आप उसको समझ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया किसी ने कहा कि KW का मान 10 की घात माइनस 9 है, क्वेश्चन आ गया KW का मान 10 की घात माइनस 9 है तो उदासीन कब होगा, उसके लिए क्या मान है पीएच का, अम्लीय कब होगा उसके लिए क्या मान है, क्षारीय कब होगा उसके लिए क्या मान है, मतलब न्यूट्रल कैसा होगा, एसिडिक कैसा होगा, बेसिक कैसा होगा, तो बता दोगे उदासीन कब होगा? जब पीएच कितना होगा? 4.5। आगे बात समझ में, ठीक है। अम्लीय कब होगा? जब पीएच का मान 4.5 से कम है। ये बात समझ में आ गई है? yes, सही लिखा, पक्का सही जा रहे हैं। और क्षारीय कब होगा? जब पीएच का मान 4.5 से ज्यादा है। बताओ किसी कोई डाउट है? कोई परेशानी है? नहीं है, चलो नोट करो फिर आगे बताता हूं। तो यहां तक हमने बता दिया कि आपको अम्लीय, क्षारीय, उदासीन के बारे में कैसे समझना है, ठीक है, क्या तरीका होता है। अच्छा चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड की ही बात कर रहा हूं, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने जनरली, वैसे अगर मैं बात करूं KW की वैल्यू के लिए मैंने क्या सूत्र दिया है, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, क्लियर है, यही फॉर्मूला दिया है मैंने, होता ही है। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, ठीक। अब KW का मान कितना होता है? 10 की घात माइनस 14। यहां पर क्या होता है? H प्लस आयन होगा ही होगा, यहां पर क्या होगा? OH माइनस होगा, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में माइनस लॉग लेते हैं, क्या कहा मैंने, दोनों पक्षों में माइनस लॉग लेते हैं, क्लियर है, माइनस लॉग, कोई डाउट यहां तक? माइनस लॉग ले रहे हैं अपन, तो माइनस लॉग 10^-14 इज इक्वल टू माइनस लॉग, समझ में आ गया, कल सिखाया था a मल्टीप्लाई बाय b, लॉग a प्लस लॉग b, तो यहां कितना होगा? माइनस लॉग एच प्लस आयन, यहां पर होगा माइनस लॉग ओ एच माइनस आयन, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 लॉग 10, माइनस आगे जाएगा और आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 14 लॉग 10, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन, कितना होता है पीएच,
होता है कि नहीं होता है? यहां क्या होता है, माइनस लॉग ओएच माइनस आयन कितना होता है पीओएच। बेटा ये 14 लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका मतलब हमारे पास एक सूत्र आ गया पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ? ये रहा आपके पास में ये फॉर्मूला, यही पढ़ा आप लोगों ने, यहां तक बात समझ में आ रही है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। लेकिन ध्यान रखना है, लोग जल्दीबाजी में गलती करते हैं, ये कंडीशन कब होनी है, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तब क्या यहां पर 10 टू पावर माइनस 14 होगा? 10 टू पावर माइनस 13 होगा, यानी इस कंडीशन पे पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 13। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अगर टेम्परेचर 90 डिग्री होगा तो कितना होगा? वेरी गुड, ध्यान रखना है पीएच प्लस पीओएच बराबर। अगर टेम्परेचर 98 होगा तो कितना था? 10। वेरी गुड, तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 10। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि 14 कब करना है, प्रश्न में ढंग से पढ़ लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो करना है, और अगर नहीं दिया गया है तो भी 25 मानना है। अगर नहीं दिया गया, कभी कभी प्रश्न में नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 25 मानो, लेकिन अगर स्पेसिफिक दे दिया गया है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये रहा एक छोटा सा पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना होगा, जल्दी से नोट करो, फिर अब अगले पॉइंट पर आता हूं मैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग अपघट्य, विद्युत अपघट्य। ठीक है, देखो भैया लड़ाई विद्युत अपघट्य की है, यानी कि यहां पर हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। अपघट्य, विद्युत अपघट्य क्या होता है बेटा? विद्युत अपघट्य, या विद्युत को छोड़ो अपघट्य की बात कर लेते हैं, रुको अपघट्य से शुरुआत करते हैं। तो हम सीखेंगे अपघट्य, क्या होता है अपघट्य? सोचो जो चीज आयन में टूट जाए, बस और कुछ? पीछे जिंदा अरे जिसको आसानी से आयनों में विभाजित किया जा सके, क्या यार सारा सी बात है। हाँ तो टूटना विभाजन एक ही हो गया, समझ गया मैं। तो जिसको आसानी से आयनों में विभाजित किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपघट्य बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यानी कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपघट्य का मतलब वो होता है जिसको आयनों में विभाजित किया जा सके। अब अपघट्य की बात करते तो अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, आया ना, दो प्रकार के अपघट्य होते हैं। एक होता है प्रबल अपघट्य, होता है नहीं होता है प्रबल अपघट्य, समझ में आ गया? और एक कौन सा होता है? दुर्बल अपघट्य। क्लियर, दूसरा हो जाएगा हमारा दुर्बल अपघट्य। अब मुझे एक बात बताओ, प्रबल अपघट्य कौन से होते हैं, दुर्बल अपघट्य कौन से होते हैं, बता सकते हो बच्चों? प्रबल अपघट्य का मतलब ये होता है जो पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण विघटित हो जाते हैं, समझ में आ गया? क्लियर हो गया, प्रबल अपघट्य कौन से हो गए? पूर्ण वियोजित या पूर्ण विघटित, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो पूरी तरीके से आयन में टूट जाए, यही तो मतलब हुआ, हाँ है ना? जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में कोई ए बी अपघट्य है तो पूर्ण आयन में टूट जाए, यानी ए प्लस प्लस बी माइनस, इसका मतलब 1 0 0, इसका मतलब यहां पर 1 माइनस अल्फा लिखते तो याद करो, याद आया, यहां पर कितना होगा अल्फा, यहां कितना होगा अल्फा, तो यहां पर अल्फा का मान कितना हो जाए 1 हो जाए, तभी तो 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, यानी कि यहां 0 हो जाएगा, यहां कितना हो गया 1, यहां कितना हो गया 1, सबको समझ में आ गया? मतलब पूर्ण रूप से, यानी कि अल्फा का मान 1 हो जाए, या हम कह सकते हैं कि अल्फा कितना हो जाए 100% वियोजन हो जाए, वो पूर्ण अपघट्य होते हैं।
समझ में आया, प्रबल अपघट्य होते हैं। अब बिंदु उठता है कि प्रबल अपघट्य कौन कौन से होते हैं। देखो प्रबल अपघट्य कौन कौन से होते हैं, इसको भी समझ लो। प्रबल अपघट्य होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। और कौन सा होता है, लवण, सॉल्ट, सॉल्ट, क्लियर। कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होंगे, प्रबल अपघट्य होंगे। सारे स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होंगे, प्रबल अपघट्य होंगे। सॉल्ट, लवण, लवण कैसे होते हैं, प्रबल अपघट्य होते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं दुर्बल अपघट्य। दुर्बल अपघट्य का मतलब अब समझ गए होगे आप, क्या कि अल्फा 100% ना हो, यानी कि पूर्ण वियोजन ना हो। समझ में आ गई बात, पूर्ण वियोजन ना हो, क्लियर। अब पूर्ण वियोजन नहीं होता है तो किसका नहीं हो सकता है, तो यहां पर दिख रहा है आपको, यहां कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां कौन है स्ट्रॉन्ग बेस, यहां कौन है सॉल्ट, तो यहां कौन से होते हैं, यहां पर होते हैं वीक एसिड और यहां कौन से होते हैं वीक बेस। आ गई बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक समझ में आ रहा है, तो यहां पर आपको पहले इतनी चीज दिमाग में रखनी होगी, नोट करो फिर आगे बताता हूं। चलो आगे देखो, तो यहां पर हमने बता दिया आपको प्रबल अपघट्य कौन से होते हैं, दुर्बल अपघट्य कौन से होते हैं। प्रबल अपघट्य में बता दिया कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और सॉल्ट होता है। और दुर्बल अपघट्य में कौन से होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस। तो चलो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, कुछ याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, HI होता है, HI होता है, SBR, देखो एक चीज ध्यान रखना, HI, SBR, HCl, ये तीनों वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। HF को छोड़ के, HF वीक एसिड है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दे रहा हूं, HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये मैंने कुछ स्पेसिफिक दे दिए, इसमें एक दो और भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने यहां पर रखे जो सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे, सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे, HI दिखेगा, SBR दिखेगा, HCl दिखेगा, HNO3 दिखेगा, H2SO4 दिखेगा, HClO4 दिखेगा, इसी का एक और भाई होता है HClO3, HClO3 वो भी दिखेगा। तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। पहचानना है बेटा, पहचानना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि यही आप लोग बार बार पूछ रहे, कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलेगा, पता चल गया होगा, समझ में आया। कोई ऐसा नहीं कि वो बाहर निकलेगा क्वेश्चन से, मैं स्ट्रॉन्ग, मैं वीक, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अंदर से आवाज भी नहीं आएगी। और पेपर में जब बैठते तो आवाज हमेशा गलत आती है, ऑप्शन अगर ए होता तो अंदर से आवाज आती, नहीं 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 बी कर, तुम बी करके आ जाते हैं, होता है नहीं होता है, हाँ वही बात है। तो इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके। अब बात करता हूं, और भी है, एक दो और भी एड ऑन जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मेनली ये है। इधर आ जाता हूं मैं स्ट्रॉन्ग बेस पे, देखो स्ट्रॉन्ग बेस में देख लो, लिथियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रूबियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, क्लियर। सेकेंड ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड नहीं, क्या कहा, सेकेंड ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड नहीं, किसको छोड़कर, पूरा सुना ही नहीं तुमने। दूसरा है किसका, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर, मतलब बाकी सब जो होंगे वो वीक में जाएंगे, क्लियर है, समझ में आ गया। ये फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड मेनली है, मैं मेन बता दे रहा हूं, अगर वो इसमें नहीं आ रहा तो उसको वीक मान लेना, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड किसमें काउंट होता है, स्ट्रॉन्ग में काउंट होता है। स्ट्रॉन्सियम हाइड्रोक्साइड भी जो होता है स्ट्रॉन्ग में काउंट होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग में काउंट होता है,
समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। अब आप समझ गए होंगे इसके अलावा जो कुछ मिलेगा काट पटक देंगे अपन उसको, वीक में पटक देंगे। कुछ बॉर्डर लाइन पर भी होते हैं बट उसको हम वीक में कंसीडर करते हैं। कुछ बुक्स में किसी को स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं किसी को वीक बोल देते हैं, तो जहां पर कंट्राडिक्शन होता है वहां पर क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है, उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? ऐसा नहीं होता है कि पता लगा एक ऐसा क्वेश्चन दे दे कि वो बीच में है, कुछ लोग उसको ऐसे स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं कुछ लोग उसको वीक बोल रहे हैं, क्वेश्चन आ गया बताओ बेटा इसमें क्या है। तो जो स्ट्रॉन्ग पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग लगा देगा, जो वीक पढ़ा होगा वीक लगा देगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन नहीं डेवलप होते। फिलहाल ये समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहां पर हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बता दिया, अब बात करते हैं वीक एसिड। अब सुनना, वीक एसिड में मतलब इसके अलावा सारे वीक, इसके अलावा सारे वीक। अब वीक में कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो आप। देखो HF वीक है, HF देखो यहां पर वीक है, H2SO4 लिखा है यहां पर, H2SO3 वीक में कंसीडर होता है। अच्छा देखो एक और चीज बताता हूं, छोटी छोटी बातें समझो। H2SO4 क्या करता है, 2H+ आयन निकालता है, हाँ या ना? 2H+ आयन निकालने की क्षमता रखता है, ठीक है? तो ये कैसा हो गया, डाइप्रोटिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइप्रोटिक, द्विप्रोटिक, क्लियर है? 2H+ आयन निकालता है। आपको एक मजे की बात बता दूं कि जितने भी डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक, डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक मतलब दो से ज्यादा देने वाले भी जितने भी है, सारे के सारे वीक एसिड होते हैं H2SO4 को छोड़कर। H2SO4 को छोड़कर जितने भी आपको एक से ज्यादा H निकालने वाले यौगिक दिख जाएंगे वो सब के सब वीक होते हैं। देखो कैसे, H2SO3 है दिख रहा है आपको, H3PO4 तो जानते ही हो, H3PO3, H3PO2 सारे, H3PO3 समझ में आ गया, H3PO2 समझ में आ गया, H2C2O4 याद आया, ऑक्सैलिक एसिड 2H है, समझ में आ गया। जितने भी आपके पास में पॉलीप्रोटिक, समझ गए ना, पॉलीप्रोटिक मतलब डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक सब जोड़ लो एक तरफ से, वो सब के सब वीक एसिड होंगे। केवल किसको छोड़ के, H2SO4 प्रबल होता है, याद हो रहा है ना? अब तो नहीं बोलोगे सर कैसे पहचाने, अब पहचान लोगे ना, देखते ही पहचान लोगे, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अच्छा अब होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एसिड, एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, याद है? यहां भी तो एसिड होता है, क्लियर हो गया? ये सारे एसिड होते हैं, क्लियर है? जितने, अब ये कौन से एसिड है, ये है कार्बनिक एसिड, कार्बनिक यौगिक, कौन से है, कार्बनिक यौगिक, समझ में आ रहा है, कार्बनिक यौगिक। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोल सकते हैं, वो सभी के सभी कैसे होंगे, वीक होंगे। अब सारे तो लिखना मेरे लिए आसान नहीं है, तो समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किसको हमें देखना है, किसको हमें स्ट्रॉन्ग बोलना है और किसको हमें वीक बोलना है। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. अरे पीछे, क्लियर yes, हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं किसका, वीक बेस, वीक बेस। अब बताओ वीक बेस में कर लोगे अब? Yes, sir. कौन है यहाँ पर, खुद सोचो। फर्स्ट ग्रुप कवर हो गया, सेकेंड ग्रुप को बेरियम को छोड़ के बाकी सब इधर आ जाएंगे, तो बताओ क्या होगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बोलो हाँ या ना? बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, हाँ या ना? ठीक है, ये सब हो जाएंगे। स्ट्रॉन्शियम इधर आता है, बताया था अभी मैंने, स्ट्रॉन्शियम इधर आता है, क्लियर? समझ में आ गया, ये हो गया। और संक्रमण तत्व के हाइड्रोक्साइड, क्या बोला मैंने, संक्रमण तत्व के हाइड्रोक्साइड, क्लियर? संक्रमण तत्व से जिंक हाइड्रोक्साइड, क्लियर है? कॉपर के साथ, आयरन के साथ, यानी FeOH का होल ट्राई, समझ में आ रहा है? जितने भी होंगे, HTC कर देता हूं, सारे जो होंगे वो वीक बेस में होंगे। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस पकड़ लो, अपने आप बाकी छोड़ दो वीक बेस। दूसरी बात, एक और ये बात समझ में आ गई है, और सबसे बड़ी बात है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा था, उसको भी कवर कर रहा हूं, अमीन। क्या बोला मैंने, अमीन, अमीन, आमीन नहीं है, अमीन, समझ गए?
जिसमें क्या होता है NH2 ग्रुप लगा होता है, NH ग्रुप लगा होता है, समझ में आ गया। जैसे अमोनिया हो गया, CH3NH2 हो गया, C2H5NH2 हो गया, C6H5NH2 हो गया, जहां पर भी नाइट्रोजन समूह लगा होगा, ठीक है, अमीन समूह लगा होगा, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है और वीक कौन सा होता है। नोट करो, फिर आगे बताता हूं। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहां पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग देख लेते हैं, याद रखना पड़ेगा अपने को। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, एक और छोटी सी चीज बात है कि कभी कभी क्या होता है, किसी एसिड के साथ में के ए लिखा होता है, सुनना मेरी बात को, के ए किसी एसिड के साथ में क्या लिख देते हैं, के ए, ठीक है। तो किसी एसिड के साथ क्या लिख देते हैं, के ए। अगर किसी एसिड के साथ में के ए लिखा या जिसके साथ में भी के ए लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वीक एसिड है। क्योंकि के ए का मतलब क्या होता है, के ए का मतलब होता है दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक, लिख देता हूं मैं यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक। समझ रहे बच्चों, ये धीरे धीरे देखो चीजें समझ में आएंगी, एक एक करके सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। के का मतलब होता है दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक। किसी के साथ में भी अगर के ए लिखा है तो हम उसको दुर्बल एसिड मान लेंगे, समझ गए। अगर किसी के साथ में के बी लिखा है, के बी, तो उसको हम लोग वीक बेस, दुर्बल क्षार मान लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार का, दुर्बल क्षार का, दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक। आगे बात समझ में, वियोजन स्थिरांक। अब देखो इसमें बड़े कमाल की चीज क्या है, कमाल की चीज यह है कि हम ही जानते हैं कि H2SO4, हम ही जानते हैं कि H2SO4 प्रबल अम्ल है, हम जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और H2SO4 प्रबल अम्ल है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, समझ गए। एरो कैसा लगाएंगे, सिंगल एरो लगाएंगे, डबल एरो नहीं लगाएंगे। डबल एरो कब लगाएंगे, जब दुर्बल होगा, क्योंकि डबल एरो लगाने का मतलब है साम स्थापित होना, और साम स्थापित कब होगा, जब ये थोड़ा खत्म होगा, ये बनेगा, फिर ये खत्म होगा, ये बनेगा, यानी कि दोनों खत्म होते रहेंगे, दोनों बनते रहेंगे। लेकिन प्रबल में तो क्या होता है, प्रबल में तो भैया पूरा वियोजन होता है, ऐसा थोड़ी होगा पहले ये खत्म हो गया, पहले ये बना, पहले ये था, पूरा खत्म हो गया, अब ये बना, फिर थोड़ा देर इंतजार किया, फिर बोला चलो आओ वापस मिलते हैं, फिर वापस बना, ऐसा नहीं नहीं होता है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4, यानी कि अगर हम इसको प्रबल मानेंगे तो ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कहीं पर H2SO4 का के ए का मान दे दूं, सुनना मेरी बात को, अगर के ए का मान दे दिया जाए, बना देते हैं बेवकूफ थोड़ा सा, वो दे देते हैं साथ में के, तो आदमी क्या करता है कि के देखता नहीं है, सीधे सीधे कहता है प्रबल है, और उस हिसाब से क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ कर देता है, गलत है। तब यहां पर क्या होगा, रिवर्सिबल स्थिति आ जाएगी, समझ में आया। अच्छा, यहां पर भी क्या है, पहला H प्लस आय निकलेगा, अगर ऐसा कहीं कर दे तो इसका मतलब ये के ए वन हो जाएगा, फर्स्ट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, प्रथम वियोजन स्थिरांक, अगर एक एच, अगर एक से ज्यादा स्टेप हो रही तो हो सकता है के ए वन के ए टू भी दे सकता है। तो जैसे पहला H निकला तो K1 हो गया, अगली बार में क्या होगा, अगली बार में HSO4 माइनस है, फिर से यहां से निकल गया तो यहां कितना हो जाएगा H प्लस प्लस, यहां कितना होगा SO4 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका KA2 हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां पर आपको क्या सोचना है, दुर्बल की तरह सोचना है, यहां पर आपको क्या सोचना है, प्रबल की तरह सोचना है। तो अगर किसी प्रश्न में KA दिया जा रहा है तो इसका मतलब आप उसको दुर्बल सोचेंगे, भले ही वो प्रबल क्यों ना हो, या किसी जगह पर, किसी जगह पर के ए दिया ही नहीं गया हो। जैसे मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि भैया HCN है, HCN हम जानते हैं भैया HCN क्या होता है, HCN होता है दुर्बल अम्ल, क्षार कौन बोला, दुर्बल अम्ल क्या होता है HCN, दुर्बल अम्ल हम जानते हैं, लेकिन उसने क्या किया भाई साहब, के ए दिया ही नहीं,
है ना, होशियार लोग होते, नहीं दिया के अब लगे पड़े लोग 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। अब अल्फा लेके तो बैठे, करें क्या बेचारा अल्फा लेके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है पक्का? तो इस जगह पर अगर के ए नहीं दिया है तो फिर आप इसको कैसे मानना पड़ेगा? प्रबल की तरह मानना पड़ेगा। कोई डाउट यहां तक? तो ध्यान रखना है इस बात का, पेपर है, पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक? तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, इतना और दिमाग में रखिए। और अब चलते हैं इसके बाद में पीएच का ज्ञात करना, पीएच कैसे ज्ञात किया जाता है। जल्दी से नोट करो फिर शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों आगे देखो। तो बच्चों हमने आपको बेसिक चीजें सारी बता दी हैं कि क्या पीएच होता है, कैसे अम्ल होता है, कैसे क्षार होता है, कैसे वियोजन होता है, ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर को सही तरीके से, यानी कि अब हमें क्या सीखना है? पीएच ज्ञात करना। अभी तक तो हम भूमिका बना रहे थे है ना, हाँ अभी तो हम माहौल बना रहे थे, मतलब अब सही है, हाँ ठीक है। तो चलो बात करते हैं पीएच ज्ञात करना। तो बेटा मैं एक एक केस लेके चल रहा हूं, एक एक केस ध्यान रखिएगा, हर केस कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है। हर केस में कुछ ना कुछ होगा, आपको क्या करना होगा इस चैप्टर के लिए, हर केस के बारे में दिमाग में चीजें रखनी होंगी कि कौन से केस में कौन सी चीज है और किस केस को किस तरीके से हल किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है, पीएच ज्ञात करना। तो सबसे पहले बात करते हैं केस वन, और केस वन जो होगा वो होगा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार का पीएच ज्ञात करना। समझ गए बच्चों, सुनोगे, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार का पीएच ज्ञात करना। अच्छा यहां पर भी एक चीज है, एक चीज समझ लीजिएगा, यहां पर जो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मैं ले रहा हूं ये सांद्र ले रहा हूं, सांद्र सांद्र सांद्र, समझ रहे हो, कंसंट्रेटेड, क्लियर। दो केस होते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार में, एक बार बता दे रहा हूं फिर सुन लो कान खोल के, दो केस होते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, या तो सांद्र होगा या तनु होगा। कैसे पहचानोगे सांद्र, कैसे पहचानोगे तनु, इसका है बहुत बड़ा खेल। कैसे, देखो अगर हमारा H प्लस आयन, अगर हमारा H प्लस आयन ये मान के चलते हैं कि 10 की घात माइनस 6 एम से ज्यादा है, सुनना मेरी बात को, ये एक रेंज बना दी है, रेंज बनाई हुई है कि अगर किसी अम्ल में H प्लस आयन 10 की घात माइनस 6 एम से ज्यादा है, इसका मतलब 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 8, 10 की घात माइनस 9, क्या ये सही बोला? गलत बोला है। 10 की घात माइनस 6 से बड़ा 10 की घात माइनस 7 होगा क्या? तो फिर सो जाते हो बीच में, कितना होगा? 10 की घात माइनस 5, 4, 3, 2, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर। तो ये चीज अगर है तो सांद्र है, और अगर मान लेते हैं H प्लस आयन 10 की घात माइनस 6 एम से कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 7, 8, 9, 7 तो उदासीन होगा सामान्यतः, लेकिन मान लेते हैं 7, 8, 9, 10 जो होगा कैसा होगा? तनु होगा। तो इस तनु के बारे में बात करेंगे अगले केस में, फिलहाल अभी बात करेंगे प्रबल केस में। कौन से वाले केस में बात कर रहा हूं? इस पर। समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, तो ये चीज आपके पास में। अब सुनो कमाल की बात, सुनो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हल, उसके लिए बात करते। तो चलो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन है जीरो, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर कि मैंने आपके सामने रखा 10 की घात माइनस 3 एम, 10 की घात माइनस 3 एम एच सी एल, एम एच सी एल, इसके लिए मुझे पीएच बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो आप 3 बोल दोगे, बिल्कुल सही जवाब है, 3 बोलोगे। कैसे 3 बोलोगे? कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। तो देखो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझे कैसे हल करेंगे इसमें। HCl कैसा है? प्रबल अम्ल है, मैंने कहा सांता वाली स्थिति रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि प्रबल अम्ल है बच्चों, प्रबल अम्ल है तो क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं। प्रबल अम्ल में HCl जो होगा वो आयंस में टूटेगा, कैसे? HCl आयंस तोड़ दो, H+Cl-, बोलो कोई दिक्कत यहां तक?
ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, पूर्ण रूप से वियोजित होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 10^-3, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, बोलो हाँ या ना। टी इक्वल टू जीरो पर यही स्थिति होती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, पूर्ण वियोजन होगा। पूर्ण वियोजन को कैसे लिखोगे, 10^-3 - 10^-3, बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। यहाँ कितना हो गया जीरो, यहाँ कितना हो गया 10^-3, यहाँ कितना हो गया 10^-3, आ रही बात समझ में, तोड़ दिया। अब पीएच के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है पीएच के लिए, बच्चों पीएच के लिए मुझे चाहिए होता है एच प्लस आयन, चाहिए होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो H प्लस आयन मेरे पास में कितना आ रहा है, H प्लस आयन आ रहा है 10^-3, बोलो कोई डाउट यहां तक, क्लियर है। अच्छा दूसरी बात देखो, फॉर्मूला क्या था, पीएच ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग H प्लस आयन, सही बात ना, ये बात समझ में आ रही है, माइनस लॉग H प्लस आयन। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, H प्लस आयन बराबर 10^-PH, ये भी लिख सकता हूं, H प्लस आयन बराबर 10^-PH भी लिख सकता हूं, क्लियर है। अब जरा इसको इसको कंपेयर करके देखो तो बात बन सकती है, ये आंसर आ जाएगा। बताओ H प्लस आयन दिखा, यहां कितना लिखा है 3, यहां कितना है लिखा है PH, इसका मतलब PH का मान कितना हो गया 3, बोलो समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, सिंपल था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन, अगर मैं कह दूं 0.002 mSCl, 0.002 mSCl, अब बताओ पीएच क्या होगा, ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं क्या होगा पीएच, बताओ सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो मेरे साथ ही बताओ, आप बताते रहो क्या करूं, बोलो H प्लस आयन बराबर कितना रख दूंगा, अब मैं सीधे सीधे समझ गया, कितना रख दूंगा 0.002, बोलो बच्चों ठीक है, इसको हल करूंगा तो कितना होगा 2 × 10^-3, ठीक है सही है, तो ये रहा आपका H प्लस आयन, क्लियर। अब मैं फॉर्मूला लेके आ गया, H प्लस आयन बराबर कितना फॉर्मूला लेके आ गया, बराबर 10^-PH लेके आ गया ना फॉर्मूला, सही लिखा मैंने यहाँ पर, कोई डाउट यहां तक, बिल्कुल सही लिखा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही फॉर्मूला लिखा तो मैंने ऊपर नजर डाली, ऊपर नजर डाली तो पीएच का मान कितना आ गया, देखो 2 × 10^-3 आ गया, आ गया ना, सही लिखा मैंने, है सही लिखा, क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, समझ में आया कि नहीं। पिछली बार हमने कर लिया था, क्योंकि ऐसा किया था, ऐसा क्यों पिछली बार हो गया था, क्योंकि यहां पर पीएच और ये इन्हीं को कंपेयर था, कुछ नया नहीं था, कुछ नया नहीं था, यहां 3 था, यहां पर पीएच था, बाकी आगे कुछ नहीं है, 1 × मल्टीप्लीकेशन कर लो, चाहे 1 × मल्टीप्लाई कर लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि यहां पर तो कर सकते हैं लेकिन यहां पर नहीं कर सकते, क्यों, यहां पर क्या लिखा है 2 × 10^-3 है, ध्यान रखना है, ठीक है, तो नहीं करोगे ना ऐसा काम, बोलो करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे नहीं लगाएंगे, चलो भाई नहीं लगाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे, अब वही तरीका लगाएंगे, क्या pH is equal to minus log H plus ion, ठीक है, और H plus ion के लिए क्या करोगे, ये वैल्यू रख दोगे यहाँ 2 × 10^-3, सही जा रहे है? एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान रखना, गलती नहीं करना, है ना, बस आपके हर काम की चीज बीच बीच में आ रही है, और मुझे मालूम है कि आप जितना गंदा से गंदा काम कर सकते हो, मैं सब बोर्ड पे दिखा रहा हूं, ये कर सकते हो, फिर लेके आओ क्वेश्चन, सर ये कैसे होगा, बहुत खतरनाक डाउट है सर, तो मैं यही खत्म कर दे रहा हूं, समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है। चलो देखो यहां पर आगे सॉल्व करेंगे, कितना होगा माइनस लॉग 2 प्लस कितना होगा 3 log 10, यानी कि माइनस लॉग 2 0.30, सही जा रहा हूं, प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 2.70, आप समझ में आ गया, क्लियर हो गया, भूलोगे तो नहीं, पक्का कर लोगे क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप नोट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं कह दूं 10^-4 mH2SO4, अब पीएच बताओ,
10 टू पावर माइनस 4 एम एस टू एस ओ 4 अब पीएच बताओ 4 4 है ना। पहला जवाब छूटते ही आंखों से हल किया गया प्रश्न है ना, और आंखों से हल करने के बाद आंसर आ गया 4। फिर कुछ देर के बाद आंखें हो गई बंद, मतलब किसी काम के नहीं। समझ में आया? जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही आंसर है। H2SO4 है, सुनो मेरी बात को बहुत गौर सुनना, बच्चे गलती करते हैं, यहां पर गलती होती है और मैं बताऊंगा गलती कहां पर होती है। देख लो, देखो यहां पे H2SO4 दिख रहा है। H2SO4 प्रबल अम्ल होता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, प्रबल अम्ल होता है H2SO4, और H2SO4 में दो H प्लस आयन जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे? दो H प्लस आयन जा रहे हैं, दो H प्लस आयन, यानी कि H2SO4 को अगर मैं आयंस में तोड़ूंगा तो किस में जाएगा? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। सही है, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? मोलरता है ना, प्रश्न में क्या दे रखा है? मोलरता। मोलरता से मोल मिल सकता है क्या? Yes, मिल सकता है। मोलरता से मोल कैसे मिलता है? कि मोलरता में आयतन का गुणा कर दो, आयतन कितना 1 लीटर, तो मोल आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर विलयन 1 लीटर है, अगर विलयन 1 लीटर है तो उस कंडीशन पर अगर 1 लीटर का गुणा इसमें करेंगे तो मोल आ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं यहां 10^-4 मोल है। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? टी बराबर 0 पर, बहुत गौर समझिएगा इस क्वेश्चन को। 10^-4 हो गया तो इसका मतलब यहां कुछ नहीं बना और यहां कुछ नहीं बना। यहां तो कोई डाउट? कब? अभी अभिक्रिया प्रारंभ हुई है। अब आते हैं t=t पर, क्या है ये? पूर्ण वियोजन होगा, पूर्ण वियोजन होगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो गया? ये हो गया अपना 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो यहां कितना होगा? 2×10^-4 होगा, क्लियर है? और यहां कितना होगा? 10^-4। तो H प्लस आयन कितना दिख गया मुझको? H प्लस आयन कितना दिख गया? कितना दिख गया? 2×10^-4। अब आ गई कहानी, आपको समझ में आ गई? यानी कि यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों? यहां पर हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमें दिया गया है वो कैसा है, कितने H प्लस आयन दे सकता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो यहां पर अगर हम निकालेंगे तो अब यहां पर क्या होगा? pH=, यही है मेरे हिसाब से, इधर वाला ले लो, −log 2×10^-4, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 − 0.30 मतलब 3.70। बोलो कोई डाउट यहां तक? पक्का ना? पक्का ना? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोल देता हूं 10^-4 NH2SO4, अब चार आएगा, क्यों? क्योंकि नॉर्मलता दे रखी है, इसलिए नॉर्मलता दे रखी है, इसलिए। पक्का? नहीं, वेट वेट वेट, इस वाले क्वेश्चन को गौर से देखो फिर से। आपने मोल निकाले थे, मोल इनटू वॉल्यूम से मोल निकाल लिया, विलयन का आयतन 1 लीटर है, इतने मोल बन गए डिवाइड बाय 1, तो इस H प्लस आयन की मोलरता कितनी हो गई? इस H प्लस आयन की मोलरता हो गई 2×10^-4 m, हाँ या ना? है ना? और अगर इसकी नॉर्मलता निकालो तो कितना होगा? n=m×n, कितने होते हैं? 2। अरे हाँ या ना? n=m×x, पक्का? तो यहां पर आपको मोलरता कितनी दे रखी है? 10^-4, तो अगर 10^-4 × 2, यानी कि इसका मतलब ये दोनों एक ही जैसे तो है, इसका मतलब आपने क्या कर दिया यहां पर? उस n गुणांक का यानी h प्लस आयन का गुणा किया, तो नॉर्मलता बना ली है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में बच्चों? यहां पर आपने जो H प्लस आयन निकाला उससे जो गुणा किया उससे क्या निकली है? नॉर्मलता निकली है।
अलग अलग तरीके समझ सकते हो। तुल्यांकों की संख्या दिमाग में लगा सकते हो कि तुल्यांकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है, पहले पढ़ा चुके, समझ में आ गया। रस समीकरण मिति से लेना देना नहीं है। तो जितने यहां पर आपने मोलरता किया है, ये मोलरता है ठीक है, तो यहां पर दो का गुणा हो गया, लेकिन यह नॉर्मलता है तो तुल्यांक की संख्या, और तुल्यांक की संख्या अगर होगी यहां पर तो उस कंडीशन पे H प्लस आयन का मान यहां कितना होगा, 10 की घात माइनस 4। आया समझ में? अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो एक चीज दिमाग में रख लो, कहीं पर भी सांद्रता लिखनी होगी पीएच निकालने के लिए, कहीं भी सांद्रता लिखनी होगी उस जगह पर सांद्रता को नॉर्मलता में ही लिखना है। क्या कहा मैंने? कहीं पर भी H प्लस आयन या OH माइनस आयन की सांद्रता लिखनी है तो हमेशा किस में लिखनी होगी, नॉर्मलता में लिखनी होगी। अगर नॉर्मलता में है तो उठा के एज इट इज रख देना, और अगर मोलरता में है तो फिर बदलाव कर देना। अब समझ में आया? क्लियर हो गया? यहां पर H प्लस आयन कितना होगा, 10, या कुछ गड़बड़ी मत करना, सीधे सीधे लिख देना, पीएच बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब समझ में आया कि नहीं है? कोई डाउट यहां तक? जैसे एक और क्वेश्चन यहीं पर, एक क्वेश्चन मैं ऐसा बना दे रहा हूं, मान लेता हूं आपके पास में H3A, ये प्रबल है, मान लेता हूं प्रबल है ये, आर्ग्यूमेंट मत करना कि सर अभी तो आपने बताया था दुर्बल, अरे मैंने माना है प्रबल है भाई। जैसे मैं मान लेता हूं कि आप होशियार हो, आप सुबह सुबह उठ के अपने आप को महसूस करने लगते हो कि मैं होशियार हूं, तो माना है बेटा, अब है या नहीं ये तो फिर आगे माना जाएगा, समझ में आया? हाँ, तो मान लेता हूं कि इसका 10 की घात माइनस 3 m है, ठीक है। अब मैंने कहा पीएच बताओ, अब मैंने कहा पीएच बताओ, जल्दी बताओ कैसे करोगे यहां पर H प्लस आयन, समझना समझना, क्या करना, प्रबल है, क्या करना बच्चों, 3 का गुणा मल्टीप्लाई करो, 3 × 10⁻³, ये हल करना है। और मैंने आपसे कहा, अब यहां पर कहा 10 की घात माइनस 3 n है, अब सीधा 10 की घात माइनस 3 रख देना है, समझ में आ गया? चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे तुल्यांक से कर लो, चाहे जैसे चाहो वैसे कर लो, अल्टीमेटली सही आंसर आना चाहिए। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? चलो नोट करो, चलो क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, पीएच और पीयूएच ज्ञात करना है, जल्दी से करो। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 0.004 mNaOH है, तो यहां से देखो OH माइनस आयन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 4 × 10⁻³, ठीक है। तो POH पहले यहां निकलेगा, तो POH इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा, माइनस log, कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा माइनस log, और ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ हो जाएगा। तो यहां पर सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, माइनस log 4 प्लस कितना कर दोगे बच्चों, log 10, कितना आ गया बताना, 2.40, ठीक है। ये क्या आ गया, POH, तो हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, तो 14 से माइनस कर दो यहाँ, तो 2.40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11.60, सही करना, ठीक है, हो गया, सबको समझ में आ गया, सिंपल है ना यार, है ना, हाँ। चलो यहां बताओ, यहां OH माइनस आयन कितना होगा, बताओ रे बताओ, 2 का मल्टीप्लाई करोगे, करोगे नहीं करोगे,
करना पड़ेगा, याद क्यों करना पड़ेगा, यहाँ एम लिखा हुआ है, अगर एन लिखा होता तो नहीं करते, एन लिखा होता तो नहीं करते, एम लिखा है इसलिए कर लिया। तो 2 इंटू कितना हो गया 1, 2, 3, 5 इंटू 10 टू पावर, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर हो जाएगा ना, क्लियर। तो यहाँ कितना हो गया 10 टू पावर माइनस 2, तो पीओएच कितना आ गया 2 आ गया, तो पीएच कितना आ गया 12 आ गया। समझ में, क्लियर है, सिंपल है, कोई डाउट यहां तक? अब तुम ये तो नहीं कहोगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सर वीक होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वीक होता है सर, ये तो नहीं दिमाग में लाओगे? अरे अजीब पढ़ाया, भूल गए इतनी जल्दी, वीक होता है ना, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं दिया इसलिए अपन क्या मान के चलेंगे, स्ट्रॉन्ग मान के चले। तो जरूरत से दिमाग नहीं लगाना है, लगाना है, लेकिन जरूरत से नहीं लगा देना है कि हाँ सर ये भी, तो जितना है बेटा उतना ही करना है, ठीक है। चलो ठीक है, आज इतना ही, बाकी फिर कल इसके आगे की बात।